दोस्तों हम लोगों ने 9 सेक्शंस और 8 डायरेक्शंस देख लिए, तो अभी एक एक करके हम लोग एक एक सेक्शन लेंगे। तो पहला है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, ये वाला। अब देखिए इधर वास्तु पुरुष के बारे में हम लोगों ने पहले बात करी थी, तो वास्तु पुरुष का सर ईशान कोण में आता है, उसका माइंड ब्रेन हेड पूरा इधर नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो अभी इससे इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, ये समझो कि अपना नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन है, यानी मैं सिर्फ इतना बना रहा हूं, इतना देखिए। ओके, और ये जो ये लाल दिशा है वो लाइन ऐसे इधर से ऐसे निकल रही है। ये ईशान्य दिशा है, यहां का एलिमेंट, इस पूरे सेक्शन का एलिमेंट है वाटर। तो एलिमेंट वाटर है। ओके, अब ये जो दिशा है ये बीच में से जा रही है, लगभग सर यहां पर कहीं पर ऐसे कान आ रहे हैं, और ये ऐसा सर होगा, ऐसे सर, और फिर यहां पर उसके कान, और पीछे ऐसा इसका गला विला जो आएगा वो, तो ये उसका सर है। अब ये यहां पर इस सेक्शन में अगर पानी आया तो आपका दिमाग ठंडा रहेगा, आपका मिजाज शांत रहेगा, आप बहुत अच्छे कन्वर्सेशन कर सकोगे। सर इधर है यानी आपके अच्छे विचार, आपके दिमाग में अच्छे विचार आएंगे। यहां पर पानी लाने से शांत दिमाग हो जाएगा। पानी अभी कैसे लाने का, पानी लाना हो तो आपको पानी इस लाइन पर नहीं होना चाहिए, तो पानी इधर, यानी आपको समझो कि वॉश बेसिन इधर मिल गया तो चलेगा। ओके, यहां पर वॉश बेसिन या यहां पर वॉश बेसिन, लेकिन अभी ऐसे वॉश बेसिन की तो अरेंजमेंट की गुंजाइश नहीं, और ये वाली दिशा जरा आपने वो संभाल कर रखनी है। तो हम लोग यहाँ पर एकदम ट्रेडिशनल वास्तु में एक सिंपल सा सॉल्यूशन देते हैं, किसी भी हाल में यहाँ पर पानी लाना है, और यहाँ पर नल तो है नहीं और बेसिन वगैरह ला नहीं सकते, तो आप सिंपल जो मैं करता हूँ प्रैक्टिस वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर बिस्लेरी की बॉटल्स रख दी है और मेरा काम चलता है, दिमाग शांत रहता है और अच्छी अच्छी आइडियाज आती है दिमाग के साथ, जितने भी जो क्या चाहिए दिमाग के साथ जो भी मेरे को काम लेना है वो मैं यहां पर पानी लाने से शांति से काम कर लेता हूं। इस सेक्शन का औरतों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, यानी क्या कि उनकी हेल्थ, आपके घर में जितनी औरतें रहेंगी उनकी हेल्थ, उनकी तबीयत, उनका थिंकिंग वगैरह सब ठीक रहेगा, अगर ये सेक्शन प्रॉपरली स्क्वायर ऐसा आपके पास है तो, अगर प्रॉपर स्क्वायर है तो। विमेन ऑफ द हाउस, आपको औरतों के लिए ये सेक्शन अच्छा है। आप खुद अगर बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो तो उसके बारे में सोचने के लिए, यानी अपने काम के बारे में सोचने के लिए ये सेक्शन आपके लिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। और आपके घर में जो पैसा आता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, उसके लिए भी ये सेक्शन अच्छा है। तो ये सेक्शन अगर ठीक रहेगा तो प्रॉस्पेरिटी रहेगी, पीस रहेगा, विमेन ऑफ द हाउस उनका सबका हेल्थ अच्छा रहेगा, ये सब चीजें हैं। लेकिन ये जगह आइडियली किस काम की है, यहां पर आपको आपके घर का जो मंदिर होगा वो यहां पर लगा है, वो भी मंदिर इधर नहीं आएगा, लाइन पर नहीं आएगा, थोड़ा हटके, यानी लगभग इधर आप अगर मंदिर बनाओ आपके घर में तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, यानी आप इधर खड़े रहोगे या बैठ के जैसे भी आप पूजा करते हो, पूजा करने की जो भी स्टाइल रही हो, आप इधर रहोगे और इधर भगवान की तरफ, यानी ये ईस्ट है, लगभग ये ईस्ट साइड है, इस सेक्शन का ये ईस्ट पार्ट होगा, पूरा होगा, तो यहां पर से आप पूजा करके यहां पर भगवान को देखोगे, यानी आप ईस्ट की तरफ देखते रहोगे। लोग बोलते हैं कि मैंने यहां पर बना लिया मंदिर, लेकिन उसमें
आपको जो पूजा करके जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो 40% पर आ जाता है, यानी आपका नुकसान है अगर आपने मंदिर इधर बनाया। ये अगर जगह आपको नहीं मिल रही आपके घर में, समझो यहां पर कहीं दरवाजा वगैरह आ गया, तो ये वाला चलेगा। लेकिन इसमें भी आपको जो यहां पर से 100% बेनिफिट है तो इधर अबाउट 80% बेनिफिट है। लेकिन इधर मंदिर आने से आपके फाइनेंशियल सिचुएशन और भी इंप्रूव करेगी। तो ये रहा अपना अभी जो मैंने बताया, ये बेसिकली ये इसके काम है, ओके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिल्डिंग ऐसी बनी नहीं रहती है, आपका फ्लैट ऐसा होगा, मैं दिखाता हूं, फ्लैट समझो आपका ऐसा है कि ये ऐसा फ्लैट है और इधर कट है, यानी ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपको कट आ गया, तो ये एक डिफेक्ट गिना जाएगा, ये एक डिफेक्ट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपका एक्चुअली ऐसे होना चाहिए, लेकिन आपने ये आपके बिल्डर ने ऐसा बिल्डिंग बनाया कि कॉर्नर कट है, या तो फिर ये नॉर्थ ईस्ट में समझो कि बिल्डर ने आपको यहां पर टॉयलेट दे दिया है। मैंने पहले ही कहा आपको कि ये भगवान के लिए जगह है, तो यहां पर समझो आपका टॉयलेट आ गया, ऐसे टॉयलेट आ गया, तो ये तो नॉर्थ ईस्ट में समझो, यानी ये पूरा नॉर्थ ईस्ट पकड़ेंगे, टॉयलेट बड़ा होगा तो लगभग यहां पर पूरा टॉयलेट आ जाएगा, या ये आपका घर है यहां पर टॉयलेट आ गया तो ये भी बुरा है आपके लिए। यहां पर इस कॉर्नर में यहां पर टॉयलेट नहीं आना चाहिए, यहां पर कट नहीं होना चाहिए, ये परफेक्टली ऐसे 90 डिग्री पर होना चाहिए। और हम लोगों ने देखा है पहले से, ये नॉर्थ रहेगा हर बार, ये ईस्ट रहेगा हर बार, तो यहां पर ना टॉयलेट आना चाहिए ना कट आना चाहिए, ये बहुत डिफिकल्टीज लाएगा। यानी क्या होगा कि जैसे मैंने बताया आपको, ये देखो ये वास्तु में उसका सर ही कट गया, सर कट गया तो क्या होगा, यहां पर टॉयलेट या कट आने से क्या होगा, सर कट गया यानी सर इनफेक्टिव हो गया, तो आपकी थिंकिंग क्लियर नहीं रहेगी, आपकी थिंकिंग क्लियर नहीं रहेगी, घर में जो औरतें हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ बीमारी आने चालू हो जाएगी, आपके घर में पैसे आने के रास्ते धीरे धीरे कम होने लगेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आया कट आया तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। अब इसमें ट्रेडिशनल वास्तु में क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल वास्तु में ऐसे कट्स के बारे में कोई क्योर दिया नहीं है, बोलेगा आप पुजारी को बुलाओगे यहां पर कट है तो पुजारी बोलेगा ये पूजा कर वो पूजा कर, लेकिन उससे परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। ट्रेडिशनल वास्तु में ये प्रॉब्लम है कि आपको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलती, आप हर बार 6 महीने के बाद पूजा करो, टॉयलेट उधर हुआ तो क्या करेंगे, कोई दूसरे ट्रेडिशनल वास्तु एक्सपर्ट को आपने बुलाया वो बोलेगा पहले ये टॉयलेट यहां से निकालना तोड़ डाल, ठीक है भाई तोड़ डालेंगे, लेकिन मेरा फ्लैट 5वें माले पर है, यहां का टॉयलेट मैं निकालूंगा, टॉयलेट मेरे को टेक्निकली इधर साउथ में चाहिए, यहां पर मैं टॉयलेट बनाऊं तो बिल्डिंग वाले परमिशन देंगे क्या, म्युनिसिपैलिटी परमिशन देंगे क्या, ये बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं। इधर टॉयलेट आने से इधर कट आने से आपको प्रॉब्लम तो होने वाला है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को ट्रेडिशनल वास्तु में सॉल्व कैसे करोगे, उसके सॉल्यूशंस ज्यादा अच्छे नहीं है। टॉयलेट निकाल सकते हैं लेकिन इधर लाना है टॉयलेट तो टॉयलेट आएगा कैसे यहां पर, तो ये प्रॉब्लम्स है। तो हमने रफली इधर नॉर्थ ईस्ट देख लिया है, अभी अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्शन अपना ईस्ट है, यानी ये वाला ऑरेंज वाला जो है वो इधर कैसे हुआ है, इसी स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, ये समझो कि अभी ये ईस्ट डायरेक्शन है, ओके इधर ये नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन बच्चों के पढ़ाई के लिए अच्छी होती है। आपको इधर एक ऐसा टेबल डाल दीजिए और आपका बेटा या बेटी जो भी पढ़ती होगी वो इधर बैठेगी, या आप भी पढ़ाई करते होंगे MBA वगैरह आगे कर रहे होंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ये डायरेक्शन आप ईस्ट डायरेक्शन में देखकर अगर पढ़ाई करो तो आपकी पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है, आपको मार्क्स अच्छे आएंगे, आपका प्रोग्रेस अच्छा होगा, एकेडमिक प्रोग्रेस अच्छा होगा। दूसरी एक चीज यहां पर ईस्ट में आ सकती है वो है एक बाथरूम, यानी सिर्फ वाटर कनेक्शन वाला, उधर ना टॉयलेट होना चाहिए, कमोड वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, तो ऐसे वाले टॉयलेट्स मिलते नहीं अपने को,
आजकल बाथरूम्स लोगे तो साथ में कमोड भी आ जाता है, तो वो तो नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पर स्टडी के लिए स्टडी रूम बना सकते हो। ये आपका ईस्ट का सेक्शन है। अभी हम लोग बढ़ते हैं साउथ ईस्ट सेक्शन के पास। साउथ ईस्ट सेक्शन में समझोगे ये साउथ ईस्ट सेक्शन है, तो आपका ईस्ट ऊपर चले गया और ये साउथ ईस्ट सेक्शन आएगा, यानी अभी ये दिशा ऐसे आ रही है, ये साउथ ईस्ट दिशा है। ओके, तो इधर आपका किचन आना चाहिए साउथ ईस्ट दिशा में। अगर घर है तो यहां पर किचन आना चाहिए, अगर फैक्ट्री है तो बॉयलर यूनिट होगा, हीटर यूनिट्स होंगे, कुछ भी अग्नि के साथ जो भी यानी गर्मी करने वाला, माइक्रोवेव होंगे, ओवन्स होंगे, जो कुछ भी होगा वो इधर साउथ ईस्ट में आएगा। आपके इलेक्ट्रिकल मेन्स अगर इंडस्ट्रियल एस्टेट है तो इलेक्ट्रिकल मेन्स भी इधर आने चाहिए, दूसरे कहीं पर भी गए तो वो प्रॉब्लम वास्तव में क्रिएट करते हैं। तो साउथ ईस्ट में आपके इलेक्ट्रिकल मेन्स आएंगे और साउथ ईस्ट में आपके बॉयलर्स वगैरह आएंगे। या समझो कि आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो इस्त्री का सेक्शन आपको इधर डालना पड़ेगा, आयरनिंग का जो सेक्शन है वो इधर डालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे यानी हीट एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। तो अभी घर में अपना किचन यहाँ पर है, लेकिन किचन आएगा यानी क्या होगा कि आपका ये ओखला ऐसे जो प्लेटफॉर्म है किचन का वो इधर रहेगा, सिंक बराबर इधर होनी चाहिए, तो यहां पर आपका गैस आना चाहिए, लेकिन गैस इसके ऊपर यानी ऐसे नहीं आना चाहिए। यहां पर आपने गैस लगा दिया ये चलेगा नहीं, यानी यहां से पाइप नीचे जा रहा है वगैरह, ये चलेगा नहीं, क्योंकि इस लाइन पर इस डायरेक्शन में चूल्हा आना नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, चूल्हे को थोड़ा ऐसा आगे रख देंगे, यानी ये समझो अपना प्लेटफॉर्म है, किचन प्लेटफॉर्म है, और ये समझो ये दिशा है, ये दिशा है अपनी, तो चूल्हा आपका थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, यानी चूल्हा इधर आ जाएगा, इधर आप गैस बर्नर लगा सकते हैं, तो ये चलेगा। ये आप देखो कि इधर मैंने एक ही ऑप्शन दिया है, ये किचन है और आपको किचन प्लेटफॉर्म ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है, ईस्ट की तरफ ही होना चाहिए, ये साउथ ईस्ट है, ये अपने को प्लेटफॉर्म अपने को ईस्ट में ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जो औरत या जो भी आपके घर का सदस्य जो भी किचन कुकिंग करेगा वो ऐसे खड़ा रहेगा और इस तरफ देखेगा कुकिंग करते वक्त। हम लोगों ने ईशान्य में देखा है कि मंदिर इधर बनेगा और आदमी इधर खड़ा रहेगा, या घर का जो भी डिवोटी रहेगा वो इधर खड़ा रहेगा, पूजा करते हैं तो आप ईस्ट में देखते हो, वैसे खाना पकाते हुए भी आप ईस्ट में देखते हो। क्यों? क्योंकि खाना पकाने का काम भी किसी पूजा से कम नहीं है, आप शरीर को अन्नमय कोश को खाना खिला रहे हो, तो इसमें भी आपको इसकी तरफ ही देखना है। अब इधर साउथ ईस्ट में जब किचन आएगा तो यहाँ पर विंडो सजेस्टेड है, यानी आप इतना बड़ा विंडो बना सकते हो यहाँ, यानी 4 फुट तक आपका ये किचन वगैरह आ जाएगा, उसके ऊपर पूरा हो सकेगा, तो इतना बड़ा विंडो खुल दीजिए। साउथ में विंडो नॉट अलाउड, इधर विंडो होना नहीं चाहिए, होता है कहीं कहीं पर। अगर इस किचन में अभी आपको कुछ अनाज वगैरह रखना है, कुछ स्टोरेज वगैरह करना है, तो दो जगह अच्छी है, अनाज यानी भारी होता है इसलिए आप इधर रख सकते हो, यानी इधर कुछ शेल्फ विल बना दिया, आपके बर्तन है, क्रॉकरी है, आप इधर रख दो, अनाज भी इधर रख सकते हो, लेकिन अनाज के लिए और एक स्पेशल जगह है, ये नॉर्थ वेस्ट का जो जगह आता है इसके अंदर किचन का ये कोण, इधर आप जो बोलते ना अंडा अन्न रखने का जो कोठार घर रहता है वो इधर रखो, तो क्या होगा आपके किचन में हर बार फ्रेश अन्न आते रहेगा, पकते रहेगा और आपकी तबीयत इससे सुधरेगी। तो ये सब होने के बाद किचन में यहां पर कहीं पर बाहर से आपके इलेक्ट्रिकल मेन्स भी होने चाहिए, आपके घर के लिए भी बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिकल मेन्स इधर होने चाहिए। तो अभी एंट्री कहां से होगी, आइडियली एंट्री कहीं से यहां से होगी तो बहुत अच्छा, क्योंकि अगर समझो कि किचन में ही आप डाइनिंग टेबल बना रहे हो यहां से भी चलेगा, लेकिन आप किचन में अगर डाइनिंग टेबल बना रहे हो तो ये बंद रहेगा तो आपका डाइनिंग टेबल ऐसे आ सकता है यहां पर, इससे क्या होगा इधर कोई बैठेगा नहीं, ये दीवार है इधर कोई बैठेगा नहीं,
किचन में खाना खाते वक्त एक चीज याद रखिएगा, खाना खाते वक्त आप दक्षिण की दिशा में आपके घर के या आप दक्षिण की दिशा में देखते हुए नहीं बैठने का, तो आप इधर बैठो आप उत्तर पूर्व की तरफ देखोगे, आप इधर बैठो आप पश्चिम की तरफ देखोगे, आप इधर बैठो आप उत्तर की तरफ देखोगे, ये तीनों डायरेक्शन अलाउड है। इसलिए यहाँ पर आपको ऐसे डाइनिंग टेबल रखना है, यहाँ पर बैठने की सुविधा मत करें, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आदमी बैठेगा वो साउथ की तरफ देखेगा और वो चाहिए नहीं, ट्रेडिशनल वास्तु में उस बात के ऊपर बंद है। ठीक है, तो ये रफली अपना किचन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर के बारे में, अभी साउथ में जाएंगे, साउथ में यानी सिर्फ इस सेक्शन के बारे में बात, तो ये अपना समझ लो स्क्वायर है। ओके, ये आप बेडरूम बना सकते हो, लेकिन बेडरूम बनाओगे तो इसके साथ यानी आपने बेटे को दे दिया या बेटी को दे दिया, वो बहुत ओपिनियटेड है, बहुत क्या होते हैं ना, उनके सब आइडियाज एकदम मजबूत हो जाती है और फिर वो उस आइडिया को पूरे घर में लागू करने की कोशिश करते हैं और हर छोटी छोटी गलती दूसरे की ढूंढेंगे, पकड़ेंगे और उसके ऊपर से वार्तालाप करेंगे, यानी वो एक प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। इसलिए बेडरूम अवॉइड करने का, साउथ में बेडरूम अवॉइड करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ये बात है। अडल्ट को दे सकते हो, आपसे बुजुर्ग जो होंगे और जिनके दार आपको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे लोगों को आप इधर रखो साउथ में, ये साउथ है आपका, तो वो चलेगा, आप बर्दाश्त। लेकिन आपका बेटा अगर इधर सो रहा है और आपको हर चीज में आपकी गलतियां पकड़ने चालू करे तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए इधर बेडरूम अवॉइड करो। तो ये जगह क्या किस काम के लिए, यहाँ पर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, आपके घर में बहुत सारे फाइल्स हैं, आपके पास रद्दी रखने की कुछ सुविधा करनी है तो यहाँ पर रद्दी रख दीजिए, न्यूज पेपर की रद्दी आती है, बुक्स की रद्दी, मैगजीन्स वगैरह, जो कुछ भी आप वापर नहीं रहे हो, किचन में बहुत बर्तन रहते हैं जो आप कभी वापरते नहीं हो, तो उसको इधर शिफ्ट कर दीजिए या आप स्टोर रूम बना दीजिए, आइडियल है स्टोर रूम। लेकिन इसमें और एक बात है, साउथ के इस सेक्शन में रिकमेंडेड वास्तु के हिसाब से, एक्चुअली वास्तु में, ट्रेडिशनल वास्तु में टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए घर के अंदर, लेकिन अगर हो, अगर हो तो फिर ये सब जो अपनी मिडिल लाइन है, ये मिडिल लाइन है, तो इस मिडिल लाइन को छोड़ के आप टॉयलेट इधर बना सकते हो, आप इधर टॉयलेट बना सकते हो, यहां से एंट्री आ गई, इस बेडरूम से आपको इधर एंट्री आ गई, तो ये टॉयलेट में आप क्या कर सकते हो कि कमोड आपको ऐसे बिठाने पड़ेंगे, यानी आप कमोड पर बैठो तो नॉर्थ की दिशा में देखोगे, यहां पर आप बैठो तो आप नॉर्थ की तरफ देखोगे, तो कमोड ऐसे होने चाहिए, अब बाकी बेसिन सिंक वगैरह सब शावर वावर सब इधर आ सकेगा, तो ये चलेगा। एक बात याद रखना, कमोड्स के बारे में बात कर रहे हैं, टॉयलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो टॉयलेट हर बार ऐसे ही बनाना चाहिए घर के अंदर कि आप जब टॉयलेट पर बैठो तो आप उत्तर की तरफ देखते रहो, उत्तर की तरफ देखने टॉयलेट पर बैठोगे आप समझो ऐसे, तो आप उत्तर की तरफ देखोगे, इस बात को ध्यान में रखना। तो आप इधर एक टॉयलेट बना सकते हो, टॉयलेट इसी सेक्शन में बनना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, समझो कॉमन टॉयलेट बन रहा है, बाहर से एंट्री है, तो आप इधर भी बना सकते हो, यानी ऐसे। ओके, ये आपका टॉयलेट इधर इधर आ सकता है और फिर ये डायरेक्ट इधर यहां पर दरवाजा डाल दिया तो भी चलेगा। ओके, और कॉमन टॉयलेट्स बाथरूम के साथ, अपने बेडरूम के साथ ज्वाइन करना है तो टॉयलेट आप इधर लाओ, और किचन के बाजू में टॉयलेट आया इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो गया, टॉयलेट घर में आया तो ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, यानी दैट इज नॉट डिजायरेबल, वो चाहिए नहीं उधर, लेकिन अगर लाना है तो फिर किचन के बाजू में आया मुझे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम बढ़ने वाला नहीं है, जितना टॉयलेट घर में आने से प्रॉब्लम होता है उतना प्रॉब्लम आपको लगेगा ही, किचन के बाजू में नहीं होना चाहिए टॉयलेट ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन कहीं पर भी वास्तु की किताबों में मैंने ऐसा रेफरेंस पढ़ा नहीं। ओके, तो किचन को लग कर टॉयलेट आया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये हो गया अपने साउथ की दिशा के बारे में, अब हम लोग जाते हैं साउथ वेस्ट की तरफ।
अब ये इसकी जो दिशा है नैऋत्य, वो ऐसे यहां से ऐसे जाएगी, ये साउथ वेस्ट नैऋत्य, ये इस सेक्शन को हम लोग नैऋत्य बोलते हैं। ये आइडियली थोड़ा बाकी के रूम से ये रूम जरा ऊंची होनी चाहिए, यानी एकाध इंच आप टाइल्स ऊपर कर लो। आपको अगर अब ये बेडरूम बनाना है, मास्टर बेडरूम बनेगा, इधर इधर मास्टर बेडरूम बने तो बेड्स कैसे होने चाहिए? ऊपर समझो सीलिंग पर कोई बीम वगैरह नहीं है, हाँ, तो फिर आप बेड आपका यहां तक ला सकते हो, लेकिन बेड इसी डायरेक्शन में जाएगा और तकिए आपके ऐसे रहेंगे। लेकिन समझो कि आपको वार्डरोब बनाना है तो क्या करेंगे आप? वार्डरोब बनाओगे तो ऊपर शेल्फ भी आ जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हेवी वार्डरोब्स, तो वार्डरोब आप इधर लाइए, ओके, ये वार्डरोब आ गया, फिर आपका बेड यहां से स्टार्ट होगा। अब ये जब आपने बेड बनाया, यहां पर तकिया आएंगे तो नेचुरली आप ऐसे सोओगे, ये आपके पैर है, ओके, हो सकेगा उतना इस तरफ आपको रहना है, जो घर का मालिक है वो इस तरफ रहेगा, और घर का मालिक और उसकी वाइफ यहां पर रहेंगी। ये आपका वार्डरोब आ गया। यहां पर कहीं पर भी विंडो नहीं होना चाहिए, यहां पर विंडो होना नहीं चाहिए, यहां पर ऐसे एक्सटेंडेड बालकनी नहीं होनी चाहिए, और इस बेडरूम के अंदर समझो कि आपको मिरर लगाने हैं, ड्रेसिंग टेबल बनाना है, तो यहां पर कहीं पर भी मिरर नहीं लगेगा। मिरर लगेगा तो यहां पर लगा सकते हैं, यहां पर अगर आपका बेड नहीं आ रहा है तो मिरर डाल सकते हो आप, लेकिन अगर बेड आएगा तो फिर मिरर मत डालिए, समझो कि आपका बेड इतना ही है, समझो कि आपका बेड इतना ही है, तो आप इस दीवार पे मिरर डाल सकते हो, इधर मिरर डाल सकते हो। क्या है कि बेड के अंदर मिरर के अंदर बेड का रिफ्लेक्शन नहीं दिखना चाहिए। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है तो बेड इस तरफ है, ये स्ट्रेट लाइन है तो बेड इस तरफ है नीचे, ये वाला अरेंजमेंट आपको चलेगा, ठीक है? तो ये आपका लगभग साउथ वेस्ट का कॉर्नर हो गया। वेस्ट में आप क्या करोगे? ये वेस्ट है, वेस्ट में आप बेडरूम बना सकते हो, बच्चों के लिए बना सकते हो, या कोई आपके भाई वगैरह रहते हो तो उनके लिए बना सकते हो। आप अगर मालिक हो तो भाई वेस्ट के रूम में जाएंगे, ओके, तो ये बेडरूम बन सकता है। लेकिन अगर जगह कम है और ये अपनी लाइन है बीच वाली दिशा, ओके, अगर जगह कम है तो यहां पर भी टॉयलेट बना सकते हो आप, यानी आपका मास्टर बेडरूम इधर है और यहां पर आप टॉयलेट बना सकते हो। लेकिन एक बात इधर ध्यान में रखनी है, अगर आपने टॉयलेट बनाया, समझो यहां से एंट्री है, तो आपको कमोड ऐसे ही रखने हैं, यानी कमोड ऐसा रहेगा कि आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, ये ऐसा टॉयलेट इधर बना सकते हो, बीच वाली लाइन से इधर या बीच वाली लाइन से उधर। तो ये वेस्ट की जगह आप यहां पर पेट्स भी रख सकते हो। इधर डाइनिंग रूम आना चाहिए ट्रेडिशनल वास्तु के हिसाब से, लेकिन डाइनिंग रूम आजकल तो हम लोग इधर ही किचन में ही ले लेंगे, तो इधर पूरा सामान उठा के यहां पर आओ, यहां पर खाना खाओ, फिर वापस धोने के लिए इधर लेकर जाओ, ये जमने वाला नहीं। लेकिन ट्रेडिशनल वास्तु में कहा गया है कि वेस्ट में आपको डाइनिंग रूम लाना चाहिए। फिर अगला रूम है अपना ये नॉर्थ वेस्ट का, इसकी जो दिशा है वो ऐसे है, ओके, ये वायव्य दिशा नॉर्थ वेस्ट। ये जगह किस काम के लिए अच्छी है? समझो कि आपका ऑफिस है तो आपके मार्केटिंग वाले सब इधर आने चाहिए नॉर्थ वेस्ट में। आपका अगर कॉन्फ्रेंस रूम है, बिजनेस डिस्कशन रूम है, तो ये जगह आपके लिए अच्छी रहेगी। यहां पर समझो मार्केटिंग वाले बैठकर फोन कर रहे हैं तो ये जगह अच्छी रहेगी ऑफिस के अंदर। समझो कि आपकी फैक्ट्री कम शोरूम साथ में है तो शोरूम इस तरफ आना चाहिए, हीटिंग एलिमेंट्स इधर जाएंगे लेकिन शोरूम इधर आएगा, तो ये नॉर्थ वेस्ट में शोरूम। लेकिन अगर घर है तो ये चिल्ड्रंस बेडरूम के लिए अच्छा है,
बेडरूम, ओके, या तो फिर सीनियर सिटीजंस, आपके घर में जो सीनियर सिटीजंस है उनके लिए अच्छा है, या तो फिर के कोई शादी वादी करने वाला होगा आपके घर में और उसकी हो नहीं रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको यहां पर ला सकते हो। ये बेसिकली कम्युनिकेशन। लेकिन अगर इस जगह में कोई भी प्रॉब्लम आया तो आपका कम्युनिकेशन खराब होगा। वो सब डिफेक्ट्स के बारे में आप फिर से डिस्कस करें। ये नॉर्थ की दिशा है और सेंट्रल दिशा ऐसे जाएगी। इधर आप और एक्चुअली यहां पर आप अपना ड्राइंग रूम बना लीजिए। ड्राइंग बैठने के लिए बेस्ट, गेस्ट को बिठाने के लिए बेस्ट। बाकी ज्यादा इसको जितना क्लीन रखोगे उतना पैसा आपके पास इन्फ्लो बढ़ेगा। यहां पर अगर विंडो हो तो बहुत ही बढ़िया, आपके पास पैसे ज्यादा आएंगे, ओके। यहां पर अगर आपका मेन डोर आ गया तो और भी अच्छा। अगर मेन डोर यहां पर आ गया तो बहुत ही अच्छा, पैसे रुकेंगे नहीं आने के, यानी कंटिन्यूसली पैसे इनफ्लो चालू रहेगा। ये नॉर्थ का रूल हो गया। ब्रह्मस्थान की तरफ जाते हैं। ब्रह्मस्थान ये सेंट्रल पोर्शन, अपने घर को अगर आप यंत्र मानते हो, एक यंत्र की तरह देखोगे तो ये यंत्र का सेंटर आ गया और ये ब्रह्म बिंदु, यहां पर से सब लाइन्स जाती है, सब लाइन्स, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये सब लाइन्स आपकी यहां से जाती है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ये अगर आपका ठीक रहा तो ठीक रखना है। कैसे रखना है? इसको खाली रखो, एम्प्टी रखो। कभी तो सुबह को उठकर आप इधर बैठिए, ध्यान कीजिए, कुछ आपको जो दिन भर में काम करना है उसके बारे में सोचिए, आपके काम फास्ट हो जाएंगे। खाली इधर बैठिए, ऐसे यहां पर चेयर डालिए, ऐसे बैठेंगे, इस तरफ देखेंगे और जो सोचोगे वो काम आपका एक 10-12 दिन में आपको ये असर दिखने लगेगा कि ब्रह्मस्थान आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये आपकी घर की पीठ की रीढ़ है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। यहां पर जो अगर कोई डिफेक्ट हो गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। यहां पर हो सकेगा उतना क्लीन रखो, हो सकेगा तो इधर सनलाइट लाने की कोशिश करो। सनलाइट नहीं है तो 24 घंटे यहां पर ट्यूबलाइट ऑन रखो, खाली रात के समय बंद करना। 24 घंटे ने दिन भर यहां पर लाइट चालू रखिए। थोड़ा सा खर्चा होगा लेकिन आपके पास हेल्थ कंटिन्यूअसली रहे। अभी इस इधर अगर आपने कुआ खोद दिया, इधर आपने एक पिलर बनाया, इधर यहां से आपने आप ऐसे ऊपर जाने के लिए लैडर्स बनाए, तो इससे आपका लाइफ डाउनहोल होगा, आपको प्रॉब्लम्स होंगे, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे, हेल्थ में इश्यूज होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, लॉसेस बढ़ेंगे और आप अपने लाइफ के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, बाहर वाले आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। ये सब प्रॉब्लम्स इधर, अगर इधर कुछ कंस्ट्रक्शन आ गया, हेवी कुछ आ गया, वॉल आ गई, तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स देखने पड़ेंगे। हेल्थ में तो डेफिनेटली इशू होगा। यहाँ पर कोई कोई लोग, मैंने देखा है गुजरात में बड़े बड़े बंगलों में यहाँ पर कुआ खोदती है और फिर पूरी लाइफ और आगे की जनरेशन कुएं में गई, यानी कंप्लीट लॉस, वॉश्ड ऑफ। तो ऐसे वाले सब एडवेंचर्स ब्रह्मस्थान में नहीं करते, ठीक है। अभी मेरे को आपको थोड़ा और आगे लेकर जाना है। समझो ये ईस्ट का सेक्शन है, इसके सेक्शन में कट आया, ये समझो अपना घर है और ये ईस्ट है, समझो ये ईस्ट का सेक्शन है। इधर अगर कट आया तो क्या होगा? ये खाली हो जाएगा, यानी ड्रेनेज वगैरह आ गया इधर तो ये खाली हो जाएगा। होगा क्या, इसका सेक्शन आपके हेल्थ के लिए, आपके परिवार के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इधर कट आ गया तो आपको हेल्थ में इश्यूज दिखेंगे। अगर समझो कि यहां पर टॉयलेट आ गया, यहां पर टॉयलेट आया, ओके, यहां पर समझो कमोड आ गया, फिर भी आपको दिखेगा कि घर में सबकी तबियत बिगड़ने चालू करेगी, आप ठीक से सोच नहीं सकोगे। इस सेक्शन आपके फेम नेम के बारे में भी है, उसके उस एरिया में भी काम चल रहा है। यहां पर टॉयलेट आ गया, यहां पर कट आ गया, तो आपका नाम जो अच्छा बन रहा था पहले जिस घर में रहते थे जहां पर ईस्ट ठीक था, अब इस घर में आए हो यहां पर ईस्ट ठीक नहीं है, आपका नाम खराब होगा, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा समाज में, ये सब इश्यूज चालू हो जाते हैं। इसलिए टॉयलेट यहां पर होना नहीं चाहिए और यहां पर ऐसा कट नहीं होना चाहिए। अगर इधर कट आया तो ये क्लासिक, मैंने आपको पहले बताया, ये चिकन नेक बन गया, चिकन नेक बन गया, ने घर के अंदर मारा वाली
झगड़े कोर्ट केस ये सब चालू हो जाएंगे, इसलिए ईस्ट के सेक्शन में कट नहीं होना चाहिए। अभी साउथ ईस्ट समझो कि ये घर आपका बिल्डर ने ऐसा दिया है, मैं दूसरी पेन यूज करता हूं, समझो कि बिल्डर ने आपको घर ऐसा दिया जिसमें साउथ ईस्ट है ही नहीं, या साउथ ईस्ट है तो थोड़ा ऐसे वाला है, यानी कट है। अगर कट आया तो ये साउथ ईस्ट यानी अग्नेय है, अग्नेय यानी आपको ऊर्जा देता है, आपके फैमिली को ऊर्जा देता है। आप देखोगे ऐसे घरों में जो लोग रहते हैं वो दिन भर थके हुए ही रहते हैं, वो ठीक से सोच नहीं सकते, वो सोचेंगे तो वो काम करेंगे नहीं, जो सोचेंगे कि भाई मैं ये काम करूंगा वो काम करूंगा, खाली प्लानिंग करेंगे लेकिन आगे बढ़ के वो काम करेंगे नहीं, इसलिए बिजनेस में पीछे रह जाएंगे। कुछ सोचेंगे करने की भी कोशिश करेंगे तो काम बनेगा ही नहीं, बहुत क्या बोलते हैं ना डिफिकल्टीज आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, रुकावटें आएंगी और आदमी पीछे ही रह जाता है, इसलिए ये कट नहीं होना चाहिए। और ट्रेडिशनल वास्तु में कहीं पर भी कट आया तो उसको री एनर्जाइज करने के लिए कोई बात कोई सुविधा ही नहीं है। ओके, समझो आप चौथे माले पर रह रहे हो, आपकी बिल्डिंग का डिजाइन ही ऐसे, तो आपके घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर ही कट है, आप कहां से लाओगे, ला ही नहीं सकते, तो आपको उस घर में प्रोग्रेस, फाइनेंशियल प्रोग्रेस दिखेगा नहीं, लॉसेस दिखेंगे, इसलिए ये जगह ऐसे नहीं होनी चाहिए। समझो कि आपको कट नहीं है लेकिन बिल्डर ने यहां पर टॉयलेट दिया है, यहां पर समझो कमोड फिट करके ये टॉयलेट बनती है, तो ये अग्नि की जगह है, आपको यहां पर ऊर्जा लानी है, यानी चूल्हा वगैरह लाना है, लेकिन आपने टॉयलेट लाया आपके यहां पर, टॉयलेट अगर इधर आ गया तो क्या होगा, दिन भर समझो चार लोग रहते हैं तो कम से कम हर बार तो आप फ्लश लगा हुए, 8-10 बार फ्लशिंग होगा, यहां पर आप पैर धोने जाओगे, जो कुछ भी, यानी आप यहां पर पानी बहाओगे, यानी आप अग्नि के ऊपर पानी डालोगे तो आपकी अग्नि ठंडी, आपकी ज्योति ठंडी हो जाएगी, आपकी पूरी एनर्जी कम हो जाएगी, बिजनेस में आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये इसलिए यहां पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, टॉयलेट सिर्फ इधर साउथ में, इधर आप टॉयलेट इधर डाल सकते हो साउथ में, वो भी सेंट्रल लाइन छोड़कर, यहां पर आप टॉयलेट डाल सकते हो या यहां पर टॉयलेट डाल सकते हो। ओके, यहां पर आप गोडाउन भी बना सकते हो, यहां पर जितना हेवीनेस लाओगे, जितना आपका हेवी यानी गोडाउन में माल वेस्ट मटेरियल जमा है, उतना आप प्रोग्रेस करोगे क्योंकि आप उतने स्टेबल होते जाओगे। ठीक है, ये हो गया साउथ का। अभी वी कम टू द बिगर थिंग, यानी बड़ी वाली बात, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर कट हुआ, अगर समझो कि ऐसे कट आया साउथ वेस्ट में, तो ये जो मालिक है इस घर का, इसको ना घर में रिस्पेक्ट मिलेगी ना बाहर रिस्पेक्ट मिलेगी। ऑफिस में अगर समझो नौकरी कर रहा है तो चार लोगों के सामने बॉस तो डांटेगा ही, लेकिन उसका जो अपने हाथ के नीचे प्यून और क्लार्क रहेंगे वो भी उसकी बातें नहीं सुनेंगे, यानी इसका कोई वजन ही नहीं बचेगा क्योंकि साउथ वेस्ट हल्का हो गया है ही नहीं। ओके, यहां पर कभी भी, यानी ये सबसे वास्तव में सबसे वर्स्ट प्रॉब्लम है कि साउथ वेस्ट ही नहीं है आपके पास, लेकिन समझो कि साउथ वेस्ट है और यहां पर ये आ गया आपका क्या बोलते हैं टॉयलेट, टॉयलेट आ गया साउथ वेस्ट में। ओके, तो यानी टॉयलेट यानी थोड़ी गंदी जगह हो गई, तो इस आदमी का रेप्यूटेशन, इस आदमी की काम करने की स्टाइल सब बाधा हो जाए, उसमें सब में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, उसका रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तो आप ऐसे हैं, अभी इसमें करेंगे क्या, इसको टॉयलेट को तोड़ देंगे तो भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तोड़ेंगे और फिर टॉयलेट कहां पर बनाएंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। वेस्ट में अगर टॉयलेट आया तो चलेगा, वेस्ट में और साउथ में टॉयलेट अलाउड है, तो यहां पर टॉयलेट आया चलेगा, लेकिन यहां पर कट आया तो अभी ये क्या हो गया, चिकन नेक हो गया, चिकन नेक हो गया, ने घर के अंदर प्रॉब्लम शुरू होंगे। आपके जो दोस्त है, अगर ये सेक्शन होता तो दोस्त आपको हेल्प करते, लेकिन आपके दोस्त जो बाहर है वही आपके ऊपर कुछ ना कुछ शत्रु जैसी चाल चलेंगे, तो आपको दोस्तों से बचना पड़ेगा फिर, यानी प्रॉब्लम तो है। तो अभी हम लोग नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे। नॉर्थ वेस्ट यानी आपके घर का कम्युनिकेशन सेंटर या आपके बिजनेस का कम्युनिकेशन सेंटर, यानी अगर आपके ऑफिस है
तो आप तो यहाँ पर साउथ वेस्ट में बैठोगे ऑफिस, बॉयलर हीटर इस्त्री विस्त्री कुछ भी रहेगा, पैंट्री वगैरह रहेगा तो इधर आएगा, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में आपके सब मार्केटर्स बैठेंगे, यानी जो फोन उठाकर जो बात करते हैं ऑर्डर्स लेने के लिए, वो सब इधर बैठेंगे। या समझो कि आपने एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया जहाँ पर बिजनेस के बारे में बात हो, तो वो इधर होनी चाहिए, तो नॉर्थ वेस्ट। अभी नॉर्थ वेस्ट में एक घर है समझो, तो घर में क्या करेंगे कि यहाँ पर आप अपने चिल्ड्रंस का बेडरूम बना सकते हो, ओके, चिल्ड्रंस बेडरूम, या तो फिर सीनियर्स कोई होंगे घर में, सीनियर्स का भी बेडरूम यहाँ पर बन सकता है, सीनियर्स का बेडरूम। अगर यहाँ पर समझो बिल्डर ने आपको कट कर दिया ये, यानी यहाँ पर ये जगह है ही नहीं नॉर्थ वेस्ट में, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन आपका बिजनेस में कम्युनिकेशन विल बी मिसिंग, यानी आपको, आप जाओगे समझो आप LIC एजेंट हो और आपका घर ऐसा है, क्योंकि LIC एजेंट यूजुअली घर से ही बिजनेस करते हैं 99%, बहुत कम लोग ऑफिस लेते हैं, लेकिन समझो कि ऑफिस भी लिया और उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अगर कट है, तो आप कितनी बाहर भी कस्टमर को समझाओ, कस्टमर फाइनली आपसे पॉलिसी खरीदेगा इसकी गारंटी नहीं, आप समझाओ लेकिन उसको समझ में ही नहीं आएगा। आप फुल टाइम्स ऑफ इंडिया में समझो आपका बड़ा बिजनेस है, आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड डाली, लाखों रुपए खर्चा किए, पूरे पेज के ऐड दी, फ्रंट पेज ऐड दी, कुछ भी किया, लेकिन आपको 5 पैसे के ऑर्डर वहां से नहीं आएंगे, उसकी वजह क्यों, क्योंकि ये आपका कम्युनिकेशन कॉर्नर ही कट है। समझो कि यहाँ पर बिल्डर ने टॉयलेट दिए है, अभी यूजुअली नॉर्मल वास्तु किताबों में कहा है कि यहाँ पर टॉयलेट ओके, लेकिन मैं कहता हूँ टॉयलेट ओके नहीं है। यहाँ पर अगर टॉयलेट आया, ट्रेडिशनल वास्तु की किताबों में दिया है, लेकिन यहाँ पर अगर टॉयलेट आया तो क्या हो रहा है कि आप उधर पानी डाल रहे हो और पानी उसका एलिमेंट नहीं है, इसका एलिमेंट है एयर, तो आप उधर पानी डालोगे आपके पूरे कम्युनिकेशन में पानी गिरते रहेगा, आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा, बिजनेस में बहुत बाधाएं बढ़ेंगी आप, तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए, कट भी नहीं होना चाहिए। हम लोग अभी नॉर्थ की तरफ बढ़ते, तो नॉर्थ का सेक्शन आएगा खाली इतना, ये नॉर्थ का सेक्शन, ये कुबेर की जगह है। अगर ये समझो कि जगह है ही नहीं आपके पास, यानी आपके पास इधर बिल्डर ने कट दे दिया है, तो पहले तो ये चिकन नेक बनता है, यानी घर में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा, या ऐसा अगर कट आपके घर में आ गया तो आपके घर में लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे, क्योंकि ये चिकन नेक बन गया, बाहर वाला बड़ा है बीच वाला पतला है, तो ये चिकन नेक बन गया, यानी आपके घर में ऐसे झगड़े वगैरह चालू हो जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर से जो एनर्जी आनी चाहिए, यानी यहाँ पर से पैसा आना चाहिए, पैसा लेने के लिए आपके पास जगह ही नहीं है, तो आपके पास पैसे आएंगे नहीं, अगर आए तो भी वेस्ट हो जाएंगे, आपके काम नहीं आएंगे, और आप पैसे पैसे के लिए भागते रहोगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब सर्वाइव कर पाओगे। तो कट भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टॉयलेट भी नहीं आना चाहिए। समझो कि नॉर्थ में किसी ने टॉयलेट दे दिया, ये आपका घर समझो ऐसा है और टॉयलेट आपने ऐसा बना दिया इधर, या है बिल्डर ने ऐसे ही टॉयलेट आपको दिया है, तो यानी पैसे की जगह पे आपने टॉयलेट बना दिया, फ्लशिंग चालू हो जाएगा, यहाँ पर कुछ पैसा आना नहीं है, यहाँ पर पैसा आएगा ही नहीं, आएगा तो भी बहुत कम आएगा, और जो आएगा वो आपके काम नहीं है, तो ऐसे वाली जगह जरा दूषित है ये जगह, लेकिन इसमें ट्रेडिशनल वास्तु में ज्यादा कोई जो है उससे चला, यही है, आपको बोल देंगे, ट्रेडिशनल वास्तु वाला बोलेगा यहाँ से टॉयलेट निकालो, ये टॉयलेट बराबर नहीं है, टॉयलेट को लेके यहाँ पर बना, ठीक है टॉयलेट मैं यहाँ से निकाल दूँ, ओके तोड़ के मैंने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर बनाने की परमिशन मिलेगी क्या, बिल्डिंग वाले देंगे परमिशन, सोसाइटी वाले देंगे परमिशन, नहीं मिलेगी। समझो आपका खुद का घर है, ये तोड़ के इधर लाने का खर्चा कितना हो जाएगा, 2-2.5 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा, तो उतना आपको परवड़ना चाहिए। अगर पहले आपका टॉयलेट इधर है तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 2-2.5 लाख का खर्चा आपको परवड़ेगा नहीं, आप ये तोड़ के यहाँ पर लाने की सोचे, आपका खुद का घर है समझो, आपको वो 2.5 लाख रुपए भी उधार से ही लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से टॉयलेट है, पैसा तो है ही नहीं घर में, ओके। तभी ये हो गया, अब देखते हैं लास्ट सेक्शन जो अपना बचा है, ये ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान कुछ करना नहीं है, खाली रख देना है बस, इसको खाली रखो, जितना खाली रखोगे प्लेन लेवल रखो,
जितना क्लीन रखोगे, इधर कचरे की बाल्टी वगैरह या बेसिन वॉश बेसिन वगैरह ये सब नहीं चाहिए, खाली रखो, जितना खाली रखोगे उतने आपकी तरक्की होते जाएगी। खाली नहीं रख पाए, यहां पर से सीढ़ी निकाली तो फिर, यानी ग्राउंड प्लस वन का बिल्डिंग है तो यहां से सीढ़ी निकाली तो वो आपको आपके करियर में आपके हर चीज में बाधा रहेगा। यहां पर मैंने देखा है गुजरात में बंगलो, पुराने बंगलोज में यहां पर कुआ खोद के रखा है, अभी पूरी फैमिली कुएं में गई यानी डूब गई। दो जनरेशन के अंदर आपको दिखेगा कि आगे की फैमिली प्रोग्रेस ही नहीं करती, खत्म हो जाता है, जो पैसा इसमें कमाया था वो इसी में कूड़े में चले गए, ऐसे ही समझ लो। कुछ फायदा नहीं होता है, तबियत खराब होती है, सबकी तबियत खराब रहेगी और एकदम महान महान ऐसे प्रॉब्लम आपको हेल्थ के आएंगे। इसलिए यहाँ पर हो सके उतना क्लियर हो, एक कर सकते हो फायदे के लिए तो ऊपर का रूफ खोल कर वहां पर ग्लास कांच का रूफ अगर बना सको तो यहां पर सनलाइट आएगा, यहां पर सनलाइट आएगा तो गारंटी कि कोई बीमार पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने रफली, यहाँ पर टॉयलेट तो होना ही नहीं चाहिए, अगर यहाँ पर टॉयलेट लाया तो फिर पूरी घर में बीमारी फैलेगी, आपके घर में लोग आने के कम हो जाएंगे, जो आएंगे वो भी बीमार पड़ेंगे। अभी हम लोग एक्सटेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं या पढ़ने की जानने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से वही सब सेक्शन में लूंगा। इसमें ब्रह्मस्थान में एक्सटेंशन नहीं आएगा, ब्रह्मस्थान फिक्स रहेगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट वायव्य में, यानी आपका घर समझो कि ऐसा है, बिल्डर ने आपको घर ऐसा दे दिया तो क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल गया, नॉर्थ की तरफ एक्सटेंशन मिल गया तो आपको थोड़ा पैसे में फायदा दिखेगा। एक्सटेंशन सिर्फ एक ही जगह पे अलाउड है, नॉर्थ ईस्ट में, बाकी कहीं पर भी एक्सटेंशन आएगा तो नुकसान करेगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ की तरफ अगर एक्सटेंशन हो गया तो आपके पास पैसा ज्यादा आएगा। समझो के नॉर्थ ईस्ट में, ये अपना नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में समझो के इस तरफ एक्सटेंशन आ गया, या ये समझो ये ऐसे बढ़ गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ, या ये ऐसे ईस्ट में बढ़ गया, तो इधर बढ़ने से यानी एक्सटेंशन होने से क्या होगा कि आपके यहां पर सबकी आयु जरा लंबी हो जाएगी, आपका नाम भी अच्छा रहेगा और आपके वहां पर सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कंटेनमेंट बढ़ेगा, पीसफुलनेस बढ़ेगा, ये सब आपके यहाँ पर शांति सुख शांति वगैरह ज्यादा हो जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में एक्सटेंशन हुआ या नॉर्थ में एक्सटेंशन हुआ तो आपको ये फायदे दिखेंगे, आपका ये बालकनी ऐसा भी एक्सटेंड हो सकता है, यानी बाकी का पूरा फ्लैट ऐसा है और ये पूरा ऐसा एक्सटेंडेड है नॉर्थ ईस्ट, ये आपको सब जगह से फायदा देगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का एक ही एक्सटेंशन ऐसा है कि आपको फायदा देगा। ठीक है, अब साउथ ईस्ट का देखते हैं, ये समझो साउथ ईस्ट है आपका ऑलरेडी जो है वो, ये आपका घर है ऐसे और ये साउथ ईस्ट एक्सटेंशन, यानी इधर एक्सटेंशन हो सकता है, अगर इधर एक्सटेंशन हो गया तो घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, टेम्परेचर, पारे सबके गर्म, ये सब आपको दिखेगा। प्लस बिजनेस में आप कुछ ओवर एंथुसियाज्म में कुछ ऐसा कर बैठोगे कि नुकसान होगा, फाइनेंशियल लॉसेस है, हेल्थ में लॉसेस है, मेंटल बैलेंस में लॉसेस है, जो काम करने जाते हैं उसमें ज्यादा मेहनत पड़ेगी, नुकसान ज्यादा होगा, ये होगा। साउथ में अगर होगा तो डेफिनेटली हेल्थ का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, यहां पर अगर ऐसा एक्सटेंशन आया तो प्रॉब्लम, यानी कुल मिला के साउथ ईस्ट में कहीं पर भी एक्सटेंशन आया तो आपको प्रॉब्लम्स ही आने हैं और बिजनेस पर तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही। ओके, आपके सपोर्टर्स निकल जाएंगे, छोटे मोटे चीजों में झगड़े बढ़ते रहेंगे, ये सब इश्यूज होंगे, तो साउथ ईस्ट में एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। अभी ये वाला कॉर्नर देखिए, साउथ वेस्ट, यहां पर अगर एक्सटेंशन आ गया यानी साउथ की तरफ एक्सटेंशन आ गया, आपके यहां पर चोरियां होंगी, चोरियां होंगी, आपके पैसे घूमते रहेंगे, आपको फाइनेंशियल लॉसेस डेफिनेटली होंगे, आपका रेप्यूटेशन लॉस में जाएगा और आपको शांति नहीं रहेगी, कर्जे बढ़ेंगे, यहां पर समझो आपका एक्सटेंशन बढ़ गया तो दोस्तों से आपको प्रॉब्लम होगा,
आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। एक्सटेंशन साउथ वेस्ट में एब्सोल्युटली नो है। साउथ वेस्ट आपका स्टेबल होना चाहिए। अगर एक्सटेंशन कहीं पर भी आ गया, यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स इन लोग से सबसे प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर चोरिया विरिया पैसे आपके जाएंगे। ओवरऑल हेल्थ मेंटल बैलेंस सब चीजों पर आपको ये प्रॉब्लम। यहाँ पर कर्जे इतने बढ़ सकते हैं कि आप कभी कर्जे से बाहर नहीं निकल पाओगे, इतने कर्जे बढ़ेंगे। तो इसलिए साउथ वेस्ट के कोई भी एक्सटेंशन नॉट गुड, यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। अब ये समझो नॉर्थ वेस्ट में इसके बारे में बात, ये नॉर्थ वेस्ट है। घर आपका ऐसा है यहां से, ये नॉर्थ वेस्ट में समझो नॉर्थ की तरफ एक्सटेंशन आ गया, कम्युनिकेशन में तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा। एक्सटेंशन नॉर्थ की तरफ होने से आप ओवर स्पेंडिंग, आपको फाइनेंशियल बैलेंस आपका टूट जाएगा, ओवर स्पेंडिंग होगी, आप बड़े बड़े गैम्बल्स करोगे और उसकी वजह से लॉसेस होंगे। यहां पर वेस्ट की तरफ अगर बढ़ गया तो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे, आपके एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे, आप दोस्तों में उलझे रहोगे, फ्रेंड्स में उलझे रहोगे, कलीग्स में उलझे रहोगे, आपके जो पार्टनर्स वगैरह है उसमें उलझे रहोगे और बिजनेस में प्रोग्रेस नहीं करोगे। आपका बिजनेस में 6-8 महीने के बाद आपको यहां पर नुकसान दिखेगा और हेवी लॉसेस दिखेंगे। नॉर्थ वेस्ट में अगर समझो आपका रेपुटेशन पे कुछ आ गया तो बात इतनी जल्दी फैलेगी कि फट 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 आपका बिजनेस बंद पड़ने लगेगा। इसलिए नॉर्थ वेस्ट में एक्सटेंशन नॉट अलाउड, ये नुकसान करेगा। खाली एक्सटेंशन इधर नॉर्थ ईस्ट में अलाउड है दोनों जगह से। यहां पर एक्सटेंशन हो गया तो भी फायदा है, यहां पर एक्सटेंशन हुआ तो भी फायदा। बाकी यहां पर कहीं पर भी एक्सटेंशन आए यहां पर तो आपका नुकसान होने वाला है। ऐसे एक्सटेंशन को अभी कोई ट्रेडिशनल वास्तु वाले को आप बुलाओगे, पारंपरिक वास्तु वाले बोलेगा ये तोड़ दो, तोड़ना आसान नहीं है। बिल्डिंग से परमिशन लेनी पड़ती है सोसाइटी से, आपका खुद का बंगले तोड़ने जाओगे कितना खर्चा आएगा। तो इसमें और फिर भी इतना इफेक्ट दिखेगा क्योंकि फाउंडेशन तो यहां पर से डाली हुई है, तो फाउंडेशन तो अपने इफेक्ट दिखाएगी, थोड़ी तो एनर्जी रेसिडुअल रहेगी, यानी इस प्रॉब्लम से आप इजीली निकल नहीं सकोगे ऐसे एक्सटेंशन के प्रॉब्लम से।